नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में भांगड़ विधानसभा केंद्र के आईएसए विधायक नौशाद सिद्दीकी की जमानत याचिका फिर कोर्ट ने की खारिज। आगामी 28 फरवरी तक फिर विधायक नौशाद सिद्दीकी को जेल में ही रहना पड़ेगा। 21 जनवरी को प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर हुए हमले के प्रतिवाद में कोलकाता के धर्मतला में बिना अनुमति प्रदर्शन करने, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने समेत कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के प्रतिवाद में कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर थाने का घेराव किया। मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शहीदुल रहमान को शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर थाने ले आई। इस घटना के प्रतिवाद में स्वयं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में सागरदीघी थाने का घेराव किया गया। इस घेराव में कांग्रेस के साथ साथ सीपीएम के कर्मी समर्थक भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल राज्य में एक बस से लावारिस अवस्था में मिला 8 पीस सोने की बिस्किट, जिसका बाजार मूल्य 53 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नदिया जिले में करीमपुर से एक बस कृष्णनगर की ओर जा रही थी। इसी बीच कस्टम्स के अधिकारियों ने छापेमारी की। झोले में सोने के बिस्किट तो मिला, परंतु इसका कोई दावेदार नहीं मिला। कस्टम्स के अधिकारी सोने के बिस्किट को जब्त कर ले गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में पड़ने वाले गोपाल पोखर में शुक्रवार की रात तृणमूल कांग्रेस के गुटिये संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। इस रात गुटिये संघर्ष में कई राउंड गोलियां चलाई गई। शनिवार को इस घटना के प्रतिवाद में स्थानीय लोगों ने व्यापक प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी कांड का पैसा रियल स्टेट के साथ साथ अब टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगाया गया है। ऐसा ही संकेत मामले की छानबीन कर रही सीबीआई और ईडी सूत्रों से मिली है। कोयले की काली कमाई को सफेद करने के लिए इस तरह का निवेश कोयला माफियाओं द्वारा किया गया है। इस संबंध में दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में कोलकाता के 2 व्यवसायियों से पूछताछ भी की जा रही है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।